है क्लास 12th। टुडे वी आर लर्निंग मैथ्स 2 पार्ट 2 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ सम बाकी है इज वी आर लर्निंग टुडे मींस क्वेश्चन नंबर 15 to 20 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स लर्न इट। टॉप चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन बड़ा टॉपिक है, हो सके जितना हो सके उतना आपको मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट्स ट्राई करूँगा कंप्लीट करने का, तो अभी आप भी उसको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 15th क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट क्वेश्चन हियर? वाई इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। डायरेक्टली यहाँ पे आपको 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स कोई भी रहेगा, या 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ये आपको पहले ही बताया हुआ है, 11 में भी आपको दिया था। सी व्हाट इज द फॉर्मूला। 1 प्लस साइन एक्स लिए आप क्या लिखेंगे? कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 इस ब्रैकेट स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स होगा तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस। ओके, ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा। इन सेम वे अप्लाई है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अप एंगल एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स अपॉन 2 आएगा, 2x होगा तो x, 4x होगा तो 2x। तो 1 माइनस साइन एक्स के लिए क्या आ गया? कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है और ये रूट है, पूरा क्या होगा? कैंसल। मीन्स आएगा लॉग कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर, और रूट क्या हो गया? कैंसल, रूट निकल गया। नाउ डिवाइड टू हियर इन दिस टर्म, ईच टर्म बाय कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 क्या होगा? 1। साइन अपॉन कॉस क्या था? टेन, टेन एक्स अपॉन 2, वहाँ पे 1 प्लस क्या होगा? टेन एक्स अपॉन 2। सो लॉग, तो गेट लॉग 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 2 प्लस अपॉन 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 2। इससे फॉर्मूला फॉर द टेन, क्या फॉर्मूला हो? टेन टेन पाई अपॉन 4, टेन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू टेन पाई अपॉन 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन पाई अपॉन 4 इंटू टेन एक्स अपॉन 2, यानी ये कितना हो गया? 1, और ये हो गया 1। तो फॉर्मूला 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 2, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टेन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2। सो रिटन हियर लॉग टेन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2। नाउ डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट ऑफ टेन लॉग टेन, लॉग रूट इज 1 अपॉन एक्स, दैट इज लॉग 1 अपॉन टेन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, एंड रूट ऑफ अगेन टेन इज सेक्स स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, एंड पाई अपॉन 4 इज 0 एंड माइनस एक्स अपॉन 2 इज माइनस 1 अपॉन 2, बिकॉज एक्स इज 1 एंड माइनस 1 अपॉन 2 इज अ कॉन्स्टेंट, सो माइनस 1 अपॉन 2। तो ओवरऑल सेक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर मीन्स क्या था? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और टेन मीन्स क्या था? साइन अपॉन कॉस, जो डिनोमिनेटर कॉस कॉस क्या होगा? कैंसल, तो बचेगा आपको माइनस 1 अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, जो कि फॉर्मूला है इसका 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल क्या आता है? साइन एक्स, या साइन 2 एक्स का फॉर्मूला, जो साइन 2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आता है? साइन 2 एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंगल है, इसका क्या होगा? डबल, मीन्स दैट इज माइनस 1 अपॉन साइन 2, एंगल का डबल हो गया पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पाई अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा? x, दैट इज आंसर। आंसर 1 अपॉन साइन में से क्या होगा? कोसेक, डी वाई अपॉन डी से कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस एक्स,
This is the final answer of the question number 15. Next is the question number 16. क्या question? Y is equal to log. अभी log है. बहुत सारे question यहाँ पे log की है. तो log को speed करना है. Log को apply करना आपको. Log 11 standard में पढ़ा होगा आपने. How to simplify the log. Log simplify करना यहाँ पे multiply है तो क्या होगा? Plus. Divide होगा तो minus. यानी कि log 4 is to x raised to 3 upon 2 log के formula. So log a raised to m is equal to m log a and log a into b upon c. ये तो क्या लिख सकते हो? Log a plus log b upon रहेगा तो minus log क्या होगा? C. Apply to y. Log 4 रेस्ट टू एक्स वापस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2x इंटू लॉग 4. यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस रेस्ट टू 3 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3 अपॉन 2 लॉग रूट. रूट मतलब क्या? हाफ. ये हाफ और 3 अपॉन 2 कितना हो गया? 3 अपॉन 4. तो ये पूरा लॉग क्या किया? सिंप्लीफाई किया. वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग 4 प्लस 3 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 4 लॉग 2x क्यूब माइनस 4. अभी यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 2 एंड log 4 ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट है. किस तो डिविडी किसका नहीं लगेगा? खाली x का. x का डिविडी कितना होता है? 1. डिविडी ऑफ x इज 1. 3 अपॉन 2 log. अगेन log इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 होगा. वापस x स्क्वायर का डिविडी कितना आएगा? x स्क्वायर डिविडी x रेस्ट टू n से कितना आएगा? 2x. ओके. माइनस 3 अपॉन 4 log. log का डिविडी 1 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4. वापस 2x क्यूब का कितना हो गया? 2 3 जा 6x स्क्वायर. राइट ना? माइनस 4 यानी 4 कॉन्स्टेंट 0 आएगा. दैट इज 2 log 4 डिविडीज ऑफ x हियर 3 अपॉन 2 log डिविडीज ऑफ इट्स मींस आंसर डिविडीज ऑफ dx अपॉन x 1 3 अपॉन 2 log x प्लस 5 इज 1 अपॉन 2 x प्लस 5 इनटू 2x एंड 3 अपॉन 4 जो आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे log का 1 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4 और 2x का कितना हो गया? 6x स्क्वायर. पूरा अभी ये क्या करना है? सिंपलीफाई. यहाँ पे 2 लिखो, 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया. 9 और ये 2 और 2 कॉमन आएगा कितना होगा? 4 होगा. तो 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया? 2. और यहाँ पे 2 2 कैंसिल तो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो गया? 4 log 2. 4 log 2 के बदले ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि 4 है 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 log 2 रेस्ट टू 2 log 2 2 कितना आता है? 1. यानी आंसर कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना आएगा? 2. तो 2 प्लस 3x अपॉन x प्लस 5 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस वॉट? 2. दैट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 डी वाई अपॉन डी एक्स. नहीं समझ में आया वापस रिपीट करो, पॉज करके बैक करके वापस देख लेना, समझ में आएगा. नहीं आए तो व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे सेंड कर देना. ओके. सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. ये भी लॉग है. लॉग को सेपरेट करना है पहले. लॉग ऑफ ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर मीन्स लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर लॉग ई. लॉग ई कितना होता है? लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ई कितना होता है? 1. सेम यहाँ पे 3 अपॉन 2 लॉग 5 माइनस 4x और ये 1 अपॉन 3 लॉग 7 माइनस वॉट? 6x. लॉग को स्पीड किया. दैट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ई. लॉग ई आपको पता है 1. ये लॉग ये कॉन्स्टेंट रखे तो भी चलेगा. 3 अपॉन 2 लॉग 5 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 3 लॉग 7 माइनस वॉट? 6x. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है. क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग. ये अभी पूरा लॉग क्या हो गया? सिंपलीफाई हो गया. डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग ई कॉन्स्टेंट यहाँ पे 1 डी एक्स स्क्वायर डिविड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स 3 अपॉन 2 डिविड ऑफ लॉग 5 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 3 लॉग डिविड ऑफ लॉग 7 माइनस 6x मीन्स एक्स डिविड ऑफ एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग फॉर्मूला एक्स रेस्ट टू एन दैट इज अ 2x 3 अपॉन 2 डिविड ऑफ लॉग 1 अपॉन 5 माइनस 4x अगेन डिविड ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 4x हो गया. लेकिन इसके बाद ब्रैकेट में देखो 5 माइनस 4x है. इसका भी क्या करना है? आपको डिविडेंड निकालना है. 5 इज अ कॉन्स्टेंट सो इट्स अ 0 एंड माइनस 4x 4 माइनस 4 कॉन्स्टेंट डिविड ऑफ x इज अ 1 सो कितना हो गया? पूरा 5 माइनस 4 इसका माइनस 4.
और ये किसको मल्टीप्लाई होगा, इसके वन अपॉन फाइव अपॉन फोर एक्स, वन अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स को मल्टीप्लाई, और वन अपॉन थ्री सेम यहाँ पे भी वन अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स इंटू माइनस सिक्स, ओके ये इसका माइनस फोर, दैट इज अ टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू माइनस फोर अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स, और वन अपॉन थ्री यहाँ पे हो गया माइनस सेवन, वन अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स अडीज ऑफ सेवन इज जीरो एंड सिक्स माइनस सिक्स एक्स इज माइनस सिक्स. नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द फाइनल आंसर, राइट जो टू एक्स थ्री अपॉन टू, यहाँ पर देखो क्या आंसर हो रहा है, टू वन जो टू टू जो फोर, थ्री टू जो सिक्स हो गया माइनस आएगा, माइनस सिक्स अपॉन माइनस फोर एक्स, और थ्री वन जो थ्री टू जो सिक्स माइनस माइनस प्लस टू अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स, दैट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन. राइट नंबर एटीन, वाई जी को लॉग, ये भी लॉग का ए रेस्ट टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रेस्ट टू थ्री लॉग एक्स, इसको पहले लॉग को सिंप्लीफाई करो, लॉग ए रेस्ट टू कॉस एक्स है, लॉग ए लॉग ऑफ ए रेस्ट टू कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कॉस एक्स लॉग ए हो गया, ये अपॉन है तो माइनस हो गया, थ्री रेस्ट टू तो मल्टीप्लाई हो गया थ्री लॉग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और ये भी अपॉन में है तो माइनस लॉग लॉग एक्स, इनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे. अभी देखो यहाँ पे कोई रेस्ट है क्या, सब कुछ है क्या, नहीं है, तो डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स में पूरा फंक्शन में क्या कौन कॉन्स्टेंट है, लॉग कॉन्स्टेंट, लॉग ए कॉन्स्टेंट है, तो लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया, कॉस एक्स, उसके आगे में थ्री कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस सिक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस थ्री डेरिवेटिव ऑफ लॉग का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया एक्स का डेरिवेटिव क्या टू एक्स, और थ्री का जीरो मीन्स टू एक्स, लॉग लॉग एक्स का कितना आएगा वन अपॉन लॉग एक्स, वापस लॉग एक्स का कितना हो गया वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन लॉग ए हो गया, ये थ्री टू जो सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आएगा, यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ए, एक्स लॉग एक्स एक्स होगा तो एक्स को आगे लिया करो, एक लॉग एक्स क्योंकि ये आपको ऐसा लिखे लिख नहीं रहा है, ये लॉग एक्स और एक्स क्या होगा मल्टीप्लाई दिखेगा, इसलिए एक्स आगे लेना, एक्स लॉग एक्स, सो द आंसर इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग ए माइनस सिक्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री और माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ओके दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सॉरी एटीन. नाउ नाइनटीन्थ वन सी कंटिन्यू, वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग फाइव रेस टू सिक्स एक्स सेक एक्स, ट्वेंटी फाइव रेस टू लॉग बेस फाइव सेक एक्स, यानी ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वायर हो गया, राइट यहाँ पे कह रहा है फाइव स्क्वायर, फाइव स्क्वायर टू यहाँ पे है तो टू क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई है सेक को, तो हो गया फाइव लॉग फाइव टू सेक एक्स, तो कोई फॉर्मूला वाले में कि यहाँ पे लॉग के लिए जो इलेवन में था लॉग ऑफ ए रेस टू लॉग ए रेस टू व्हाट इज यम, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आता है यम. सो इसका आंसर क्या आएगा टू सेक एक्स, यहाँ पे आंसर क्या आएगा टू टेन एक्स, हो गया सिंप्लीफाई. सो डिफरेंशिएट नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू कॉन्स्टेंट ऑफ सेक, टू कॉन्स्टेंट ऑफ टेन, सेक का डिटी क्या था सेक एक्स टेन एक्स, इसका टेन का क्या था सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का तो वन ही हो गया, कॉमन दोनों में क्या आएगा टू सेक एक्स, ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस सेक एक्स, दैट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन. वो सिंपल नाइनटीन क्वेश्चन स्टार्टिंग में खाली फर्स्ट स्टेप खाली कॉम्प्लीटेड है, वो सिंपलीफाई हो गया, पूरा आपका आंसर इजी हो गया. ओके इसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस्ट फोर, यहाँ पे लॉग नहीं है तो इसको आप यू अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई करने का, यू अपॉन वी फॉर्मूला क्या है वी कॉन्स्टेंट ड्यूटीज ऑफ यू माइनस यू कॉन्स्टेंट ड्यूटीज ऑफ वी होल अपॉन व्हाट इज वी स्क्वायर, तो वी कॉन्स्टेंट ड्यूटीज ऑफ यू माइनस वी यू कॉन्स्टेंट ड्यूटीज ऑफ वी, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ड्यूटीज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस्ट टू फोर अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस्ट टू फोर कॉन्स्टेंट ड्यूटीज ऑफ ए रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, मीन्स ड्यूटीज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू इज अकॉर्डिंग फॉर्मूला एक्स रेस्ट टू एन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस्ट टू थ्री, अगेन ड्यूटीज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू इज एक्स स्क्वायर इज टू एक्स एंड टू इज जीरो. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस्ट टू फोर कॉन्स्टेंट ड्यूटीज ऑफ रूट, रूट का ड्यूटी क्या था रूट एक्स का ड्यूटी क्या आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, अगेन ड्यूटीज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज टू एक्स,
होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी अभी डिविटी निकल गया, इसको अभी क्या करना है सिंपलीफाई। ये 2 और ये 4 कितना हो गया 8x, तो कॉमन यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल, तो x और यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे रेस्ट 4 है तो क्यूब कॉमन आ गया, x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट 3 ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे ये 8 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये अंदर रहेगा ब्रैकेट में और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अपॉन सेम वही लिखा, यहाँ पे लिखो सेम है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 8 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बाद में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये अपॉन दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज वॉट मल्टीप्लाई टू बोथ, डिनोमिनेटर बन गया, पूरा डिनोमिनेटर बन गया। अभी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट 3 ये ऐसा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई होगा, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है 8 राइट टर्म्स है ना, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, अब माइनस 40 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 38, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट 3 इंटू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस्ट 3 अपॉन 2, दैट्स द फाइनल आंसर। All of you copy it and show it homework on tomorrow. बहुत सारे बच्चे अभी तक बहुत सारे मतलब जितना भी केमिस्ट्री मैथ्स का हो गया यहाँ पर कोई भी होमवर्क सबमिट किया नहीं है, सो आई विल कॉल टू योर पेरेंट्स यार, तो इतना जल्दी जो होमवर्क दिया है फटाफट आप लोग पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर मुझे सबमिट करके दिखा देना। ओके बाय, टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्प्लीटेड, टुमारो क्वेश्चन नंबर 4 विल स्टार्ट देयर, ऑल ऑफ़ यू वॉच इट्स, जिसको समझ में या नहीं आया वापस इसको दो बार रिपीट करो, क्योंकि ऐप में ये जब तक ऐप है आपके पास तब तक ये चालू रहेगा, वीडियो वहाँ पे रहेंगे, ट्राई करेंगे लाइव सेशन का 5 जून से जो लाइव बोर्ड पे हम डायरेक्टली हम क्या करें उसको पढ़ाएंगे, तो टिल देम ऑल ऑफ यू एन्जॉय, स्टे होम सेफ, बाय।